तो काफी सारे पशु पालकों का रुझान, मैं कहूंगा अक्सर फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन वाली जो झोटियां हैं उनको लेकर के रहता है। आज की वीडियो में एक और स्पेशल सेकंड टाइमर झोटी मुर्रा के नायाब नगीने जो निकल निकल करके हैं आ रहे हैं, और मैं कहूंगा आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है। पहले ब्यात में क्या कुछ जो दूध है, पहले ब्यात में भाई साहब इसने 18 किलो कांटे की तोल का दिया है। 18 किलो दूध कांटे के तोल का, नरवाना की खरीद है। अच्छा, जींद नरवाना से आप इसको लेकर के आए थे। तो कितने दांत जो कविंग है, जब ये दो दांत थी अब ये 6 दांत, अब ये 6 दांत है। ठीक है, तो आपके गुरुग्राम जिले से इतनी अच्छी अच्छी झोटियां सुभाष जी आज के दिन निकल निकल करके आ रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, सब भाइयों को थोड़ा शौक जरूरी है जनून पैदा करना जी, और अच्छे अच्छे पशु पालो, जब ही गुरुग्राम का नाम बढ़ेगा। बिल्कुल, तो अपने पास हाल फिलहाल में कितने पशु हैं? मेरे पास जी 12 हैं। आपके पास 12, आज भी अच्छी अच्छी झोटियां, एक से एक जिस चीज के लिए आपको जाना जाता है उसी में मशहूर हूँ। हाँ हाँ, हरियाणा में उसी क्वालिटी का पशुधन आज भी आपके फार्म पे अवेलेबल रहेगा। हाँ जी सर, बात करें झोटी की, कह रहे हैं पिछले ब्यात में 18 किलो दूध 2 दांत ने दे रखा है, आप इस चीज के साक्षी हो? आपके सामने सारी डिटेल्स कंफर्म है, क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। तो काफी सारे पशु पालकों का रुझान, मैं कहूंगा अक्सर फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन वाली जो झोटियां हैं उनको लेकर के रहता है। आज की वीडियो में एक और स्पेशल सेकंड टाइमर झोटी मुर्रा के नायाब नगीने जो निकल निकल करके हैं आ रहे हैं, और मैं कहूंगा आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है। जिला गुरुग्राम के गाँव नरसिंहपुर से, और दिनेश भाई साहब हैं, आप यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल जो पशु पालक हैं वो खरीद बेच का कामकाज कम, और पीछे जो इनका भव्य मकान यानी के जो शानदार कोठी है वो आप देख सकते हैं, उसी शानदार कोठी में ये सेकंड टाइमर जो झोटी है वो बंधी हुई है, और काफ़ी अच्छा पशुधन मैं कहूँगा, साथ में एक तरोताज़ा हेल्दी जो फीमेल काफ है उसको इसने कल जन्म दिया है। कटड़ी आप यहाँ पे देखिएगा, और पिछले ब्यात की जो इसी की बेटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जो कदकाठी, काफ़ी अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो, पीछे काफ़ी सारे ग्रामीण आए हैं, और सुभाष गाडोली सर आप यहां पे देख सकते हैं बैठे हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये भी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से ही हैं। तो गुरुग्राम ज़िले ने काफ़ी सारे युवाओं को न सिर्फ जो रोज़गार है वो दिया, बल्कि अच्छे अच्छे जो मुर्रा के नायाब नगीने हैं वो भी यहां से निकल निकल करके आए। उदाहरण के तौर पर हमारे अजय पलडा सर हो गए, एक विनोद सर थे विनोद उर्फ भगत जी, और एक सुभाष गाडोली सर हैं, और एक भाई साहब आप यहाँ पर देखें, आज पहली बार जो झोटी है वो इनके फार्म से, आज तक कभी कोई वीडियो कवर नहीं हुई, सीधा लेकर के चलेंगे मिलवाएंगे। नमस्कार दिनेश भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, हमारे द्वारे पर आने पे आपका बहुत बहुत जी जी बार बार शुक्रिया। किस तरह का कामकाज है सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। भाई साहब हम तो शौक के लिए एक आध पशु रखते हैं, ठीक है, बाकी कोई अच्छी अगर कीमत लगाएगा हमें भर्ती हुई तो हम देने के भी इच्छुक है। अच्छा, बात करें जॉब वगैरह करते हो, कामकाज है किस तरह? भाई साहब अपना तो घर का ही काम है, डो रख ले हैं, अच्छा, थोड़ा घर का काम, ठीक है, तो दूध वगैरह का बिक्री का काम? हाँ, दूध का बिक्री। क्या भाव बिक जाता है अपने यहाँ जी? 80 के भाव चल रहा है, 80 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर, ठीक है। तो भाइयों अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास JS की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। आज एक झोटी है अपने पास जो आप अपने फार्म से दिखा रहे हो। हाँ जी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स है एक बार बता दीजिए। भाई साहब ये अब सेकंड लैक्टेशन में है, बहुत बढ़िया, कल शाम को लगभग शाम को 7 बजे इसने बच्चा दिया है, ठीक है सर। नीचे फीमेल काफ है जी, और पिछले साल का भी ये फीमेल काफ है, ठीक है, देखी तो ये अपने घर की पाली हुई है, लेकर के लेके आए थे, लेकर के आए थे। पहले ब्यात में क्या कुछ जो दूध है, पहले ब्यात में भाई साहब इसने 18 किलो कांटे की तोल का दिया है, 18 किलो दूध कांटे के तोल का, नरवाना की खरीद है। अच्छा, जींद नरवाना से आप इसको लेकर के आए थे, तो कितने दांत जो कविंग है? जब ये 2 दांत थी, 2 दांत थी, अब ये 6 दांत, अब ये 6 दांत है, ठीक है। तो देखिएगा दांतों में 6, सेकंड टाइमर झोटी, सबसे पहले चेहरे मोरे की बनावट आप देखें, पीठ बॉडी वेट काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार, नीचे अड्र की जो क्वालिटी है लगभग लगभग आगे की तरफ दिखाओ, जबरदस्त जो टिट स्पेसिंग है उसमें, पैरों के बीच का जो टाइट अड्र है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पिछली
साल मैं कहूंगा लेकर के आए थे, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई आप लेकर के आए थे, 18 किलो दूध आप बता रहे हो इसने आपके घर पे दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कटड़ी जो पिछले ब्याज की है ये किसकी है एक बार वो बता, ये जी उन्होंने बताया था कि जो सरकारी HLDP के सीमेन है हाँ उसकी कटिया है। HLDP सीमेन की जो हेल्दी फीमेल काफ आप यहाँ पे देखिएगा, माँ की तर्ज पे ब्यूटी वाला जो चेहरा मोरा है वो कदकाठी आप इसमें देख लीजिएगा, और मैं कहूंगा नीचे प्योर जेट ब्लैक टेल जो इस हीफर में यानी के जो इस कटड़ी में आपको देखने को मिलेगी। तो जींद जिले को अक्सर मुर्रा का गढ़ कहा जाता है, वहां से जो बफलो है दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी परचेज करके लाए थे, 18 किलो दूध इनके घर पे दिया, आज सेकंड लैक्टेशन में काविंग करी है, अब की बार भी हेल्दी फीमेल काफ यानी के जो कटड़ी है उसको जन्म दिया। एक नीचे का जो ऑर्डर वगैरह है थन पासे हैं ये आप देख लीजिएगा, न्यारे न्यारे जो साफ सुथरे थानों के कूप, डेवलप्ड जो टिट्स हैं यहाँ पे निकल करके आए हैं, काफी अच्छी झोटी, दांतों में छे। रही बात नीचे अडर, मैं कहूंगा ये आप देख लो काफी बेहतरीन अडर, और पीछे पीठ की जो चौड़ाई है वो पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन पीठ बॉडी वेट, चलने का तौर तरीका जो रोप जो रुतबा है वो आप देखिएगा, और मैं कहूंगा जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो कदकाठी है उसमें जो बफलो है 5'3" हाइट है आपको देखने को मिलेगी। हाइट कितनी बता रहे हैं सर? 5'3" हाइट है। एक बार खड़े होना इसके साथ में आपकी कितनी हाइट है? 6'2" हाइट, 6'2" हाइट है, और ये आप देखिएगा 5'3" के करीबन जो हाइट है आप देखो वो बता रहे हैं फुल हाइट। तो दिनेश भाई साहब ये कटड़ी है ये किसकी है? ये भी जी सरकारी HLDP सीमेन की है। ये आप देखिएगा जी तरोताजा सूंड यानी के जो तांदवा है वो इस कटड़ी के नीचे आपको देखने को मिलेगा, सरकारी HLDP की ज्ञापन आपने कराया था इसको जी डॉक्टर, मतलब एक पुख्ता प्रमाण पुख्ता सबूत आपके पास मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। बात करें सर अब की बार क्या कुछ दूध के उम्मीद लगाए बैठे हो? अब की बार जी कम से कम हम तो सोच रहे हैं कि 22 किलो दूध भी ना दे तो फिर कुछ नहीं दिया, 22 किलो दूध इसने देना चाहिए, देना चाहिए ठीक है। ड्राई कितने महीने इसको ड्राई? ड्राई तो जी लगभग 2-1 महीने से ड्राई करी है, 2 महीने ड्राई करता। मैं कहूंगा अगर 22 किलो दूध ना तो कम से कम 20 तो देना चाहिए, 2 किलो की बढ़ोतरी ना जी, ऐसा है 10-1 दिन का जब ये हो जाएगी 15 दिन की ब्याई हो जाएगी तो 22 किलो दूध बिल्कुल तौल के ले जाओ, देगी क्यों नहीं देगी, देगी हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो देखिएगा कॉन्फिडेंस आप इनका देखो, भरोसा आप देखो, कह रहे हैं 22 किलो दूध पूरा पूरा देगी, पीठ की जो चौड़ाई है वो आप देखिएगा, नीचे जो ऑर्डर जो थनों के कूप, फिर से पैरों के बीच का टाइट अड्डर आप यहाँ पे देखें, धार चुवाई की कैसी है? बहुत अच्छी है जी, बहुत मोटी धार है, मोटी धार है, कोई छरपर नहीं है, नीचे अच्छा। की 100 की 100 है, ठीक है। खाने दाने में कैसी है? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी, खाने पाने की कुछ भी डाल दो बहुत अच्छी, खाने पीने की बहुत अच्छी, ठीक है। तो पिछले महीने जो 18 किलो दूध पिछले ब्यात में माफी चाहूंगा दिया था इसने जी, कितने महीने लगातार एक रूटीन से चला 18 किलो? रूटीन से जी ये मानो 6 महीने तक तो लगभग ऐसी रूटीन पे रहा है, जिस टाइम ये 4 महीने की आबन थी, ठीक है, उसके बाद भी लगभग 12 बोरा के एयरफेयर में तो ये नटी है। अच्छा, जब लास्ट टाइम भी था जब भी 10-11-12 किलो दूध था, ठीक है, दूध तो बहुत अच्छा देती है, लंबा दूध देती है। अच्छा, सेल करोगे सर? सेल कर देंगे, सेल कोई अच्छी कीमत लगेगी तो अच्छी सेल कर कीमत देंगे। कितना आपका जो करंट का मोल भाव, क्योंकि देखो पशुपालक भाई अक्सर थोड़े से रेट कंफर्म करने को लेकर के थोड़े से उतावले उत्सुक रहते हैं, तो आपकी क्या कुछ जो डिमांड प्राइस है वो एक बार जरूर मैं इसका जी सही मांगने का नहीं है, देने का 5.5 लाख रुपए है, 5.5 लाख रुपए तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे सेकंड लैक्टेशन में? ज्यादा नहीं है जी, वैसे और दुनिया की देखोगे कोई 50 लाख मांगे है तो 5-5.5 लाख आपने इसके कदकाठी दूध धार पोषाव के हिसाब से बहुत कम लगेंगे, जितने की आप भी देखो हो कोई 50 लाख मांग रहा है कोई 60 लाख मांग रहा है। देखो सर मांगना तो ठीक है एक अलग बात है, लेकिन मैं कहूंगा मांगने से मिलते तो नहीं, 60 लाख रुपए आप बता रहे हो लेकिन मिले तो नहीं, डिमांड प्राइस था वो है ना, तो एक सटीक सा प्राइस आपका फाइनल है 5.5 लाख रुपए है। मान सम्मान की कोई गुंजाइश? मान सम्मान होगा फिर भाईचारा देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पशुधन का हाव भाव स्वभाव जो व्यक्तित्व है एक बार फिर से पशुपालकों को दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिएगा चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के कदकाठी काफी बेहतरीन जो अडर क्वालिटी है उसमें, पीठ बॉडी वेट आप देखें, पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो इस सेकंड टाइमर झोटी में देखने को मिल रहा है, दांतों में छे, और 22 किलो जो दूध है उसकी खरी खरी एक्सपेक्टेशंस, छोटा जो सींग है माथे पे जमता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दिनेश सर मोबाइल नंबर आपसे मैं कंफर्म करना चाहूंगा, हाँ जी 98 जी 10 10 32 32 55 55 70 70 और एड्रेस क्या रहेगा आपका? एड्रेस जी VPO
नरसिंहपुर जी, और जिला गुड़गांव है ही, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। हाँ जी, तो सुभाष सर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार भाई साहब, आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बार बार शुक्रिया सर। कैसे हो आप? बढ़िया जी। कैसा काम चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है भाई। ठीक है, तो आपके गुरुग्राम जिले से इतनी अच्छी अच्छी छोटियाँ सुभाष जी आज के दिन निकल निकल करके आ रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, सब भाइयों को थोड़ा शौक जरूरी है, जुनून पैदा करना जी, और अच्छे अच्छे पशु पालो, जब ही गुरुग्राम का नाम बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पास हाल फिलहाल में कितने पशु हैं? मेरे पास जी 12 हैं। आपके पास 12? आज भी अच्छी अच्छी झोटियां, एक से एक, जिस चीज के लिए आपको जाना जाता है उसी में मशहूर हूँ। हाँ हाँ, हरियाणा में उसी क्वालिटी का पशुधन आज भी आपके फार्म पे अवेलेबल रहेगा। हाँ जी सर, बात करें झोटी की, कह रहे हैं पिछले ब्याज में 18 किलो दूध दो दांत ने दे रखा है, आप इस चीज के साक्षी हो? आपके सामने सारी डिटेल्स कंफर्म है, क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो एक और सर है, करमवीर सर हमारे साथ, आप यहाँ पे देखिएगा। नमस्कार करमवीर जी। कैसे हो सर? ठीक हो? क्या कुछ कहोगे इस पशुधन के बारे में? बढ़िया है जी, हम तो पिछली बार भी देख के गए थे। ठीक है, दूध भी देखा था, 18 किलो था जी, अच्छी है, स्वभाव की बढ़िया है। ठीक है, गर्म है। तो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो अब की बार? उम्मीद बैठे हैं, सुभाष भी इसी चक्कर में बैठा है खरीदने के, रेट भाव हो जाए, हम भी बैठे, हम भी रखे। ठीक है, दूध की क्या उम्मीद कर रहे हो? 20 प्लस चलना चाहिए इसमें? बिल्कुल 20 प्लस दूध की, शरीर के हिसाब से 20 प्लस में कम करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो 6 दांत आप यहां पे देखिएगा, 5.5 लाख रुपए जो कीमत है जो वो रखी है इसकी, और 22 प्लस दूध की खरी खरी जो एक्सपेक्टेशन है इससे वो, जिला गुरुग्राम के गांव नरसिंहपुर से जो आज का पशुधन है मैंने आपको दिखाया, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कैसा आपको लगा। टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी जो वीडियोज, अच्छा अच्छा जो पशुधन है वो आप सब भाइयों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।